हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आशीष जी, देख लीजिए, मुर्गी का बोटी बना रहे हैं। बोटी इसमें तो है कलेजी, क्या बोलते हैं इसको, अमेठा, बाद में थोड़ा सा चिकन है, फिर ये बोटी है, पूरा क्लीन किए हैं इसको और दो टुकड़ा करके देख लीजिए, गर्म पानी में धोए हैं। और इसमें अभी डाल रहे हैं टमाटर, प्याज, मिर्ची, और इधर हमारा कढ़ाई भी गर्म हो रहा है तो सभी को मिक्स करके बनाते हैं इसको। नमक डाल रहे हैं, है ना, इकट्ठा सभी को मिक्स करके बनाते हैं और अलग से मसाले फिर से नहीं डालते, सीधा तेल डालते हैं। देख लीजिए, गरम मसाला, हल्दी, हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि बिस्तर का स्मेल ना आए। नमक डाल दी मैं और ये रहा मिर्ची। तो ये हमारा आज बोटी तरवा बन रहा है, तो बहुत ही टेस्टी रहता है। कौन कौन खाए हैं बताइएगा कमेंट करके। हम लोग तो घर छोटे थे तो बहुत खाते थे घर में, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, टेस्टी भी बहुत रहता है। और चिकन से तो ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। हाँ, चिकन से ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये भी चिकन ही है लेकिन ऐसे इस तरीके से तरवा बनाने से टेस्टी लगता है। और इसका एक और खासियत है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा ऑयल डालना नहीं पड़ता क्योंकि इसमें पूरा ऑयल निकलता है ना, क्योंकि जो ये है रहता है, ये इसमें सब चर्बी रहता है। तो इसको मिक्स करेंगे और सीधा डालेंगे। वो मसाला दे देना। कौन सा मसाला? क्या है वो? अंडा मसाला है वो, दे दो ना। गरम मसाला डाली हूँ ना, गरम मसाला कुछ नहीं होता, डाल दो थोड़ा फ्लेवर के लिए। अंडा मसाला फ्लेवर डाल रहा, वही तो है ना, अंडा में अंडा। इसको सूखा देख लीजिए, अच्छे से क्लीन कर रही है गर्म पानी में और इसमें मसाले मिक्स करके सीधा डालना है। तो ये जब गर्म होगा तो मिक्स हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ऐसे ही डाल। तो देख लीजिए दोस्तों, लहसुन और जीरा डाल दिए हैं। लहसुन दे दी, सॉरी क्या हो गया, सरसों, आज मेरा दिमाग की तरह पता नहीं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन अदरक लहसुन नहीं है तो हम लोग गोटा वाला अदरक लेकिन पीसेंगे अभी। इधर देख लीजिए, मोनू भी आ गए हैं। क्या कर रहे हो मोनू? क्या है उसमें मसाला पिसोगे? हाँ, क्या करोगे? कहाँ बताओ, कहाँ पीसते हैं? उसमें डालोगे? दे दे। मम्मी को दे दो, डालेंगे दे जल्दी। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्सी में मिक्स पीस के डाल दिए हैं, थोड़ी देर पकने देते हैं इसको। तो इसको हम लोग ढक के जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। धनिया पत्ती लेने हैं के लिए। बंदर, मोर बंदर तो मैं बहुत बड़े हो गए हैं, उठाने नहीं पाती हूँ मैं, गोदी में बहुत ज्यादा वजन लगते हैं। छोटा वाला बाबू पैदा हुआ था ना, ऐसे ऐसे करके बुलाते थे हम लोग। नहाया तैयार भी नहीं मामू, नहाया तैयार नहीं है ना। सरा रघु मेरी मेरी तेरा बावरा, डांस को डांस ये बुटिया रे बुटिया। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों अभी धनिया पत्ती लेने के लिए हमारा बगान में। और ये मोनू देख लीजिए, उसके पापा के साथ कैसे चढ़ा। तू पकड़ो, अच्छे से पकड़ो पापा को, ठीक है।
है ना मनु, आप अच्छे हो ना? तो मनु चप्पल पहन के नहीं आए, कैसे जा रहे हैं देख लीजिए। तो आगे से सूट करती रुको, या तो मैं पीछे हो के जा रही हूँ, इधर ठोका जाऊंगी जाके तो पेड़ में। मोर बाबू अच्छा। तो ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए हमारा बागान है इधर। पता नहीं इधर कुछ पाइप वाइप लीकेज हुआ, ये बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, पाइप लीकेज बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है देख लीजिए। पता नहीं क्या हो गया, बनाना पड़ेगा। गोबरा भरा हुआ है नीचे, उठा रहे हैं जीव जंतु। हमारा बरबट्टी इधर आ गया, शायद बरबट्टी आ रहा है, ये देख लीजिए। तो ये जो साइड में राउंड लगाए ब्लीचिंग पाउडर है ताकि क्या बोलते हैं उसको, चींटी लोग ना खाएं। चींटी लोग खा देते हैं। पालक धनिया, चलो पकड़ो मोबाइल, पकड़ो पकड़े रहो बेटा पापा को अच्छे से। हाँ हो गया नीचे नीचे खोपड़ी में ताकि ऊपर और बढ़े। इधर मूली का भाजी देख लीजिए, बहुत अच्छा दिख रहा है ना? ये तो एक महीना तक चला जाएगा खाते खाते, है ना? खाएंगे भाई थोड़ा थोड़ा करके। चलो 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 चलो। ये आदमी बोलता है खाता नहीं है, बिलीव नहीं करना इसका बात। तो चलिए चलते हैं रूम। सो फ्रेंड, हमारा सब्जी बन रहा है। जब तक सब्जी नहीं बनाए तब तक हम तैयार हो जाते हैं। तो सब्जी को थोड़ा आराम से पकाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चिकन बिना पका हुआ कच्चा कच्चा रहे तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा टेस्ट नहीं आता इसे। तो मैं ऐसे ही आज थोड़ा सा घर का मेकअप कर रही हूँ। घर मतलब कहीं तो जाना नहीं अपने को, है ना? थोड़ी देर के बाद ऐसे भी मूड होना है मेरे को, क्योंकि शाम को मैं कोई मेकअप नहीं रखती अपने फेस में, तो शाम तो ऐसे ही हो चुका है। तो हल्का सा ही पाउडर क्रीम लगा लेने से थोड़ा फ्रेश लगता है। और अभी बहुत सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ तो उसको फोल्ड करूँगी। तो कोई सा चीज़ और अप्लाई करना है मेरे को आज, देख लेती हूँ। थोड़ा सा आज काजल लगा लेती हूँ। हल्का हल्का लगा रही, ज़्यादा नहीं लगा रही, बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ काजल। है तो देख लीजिए, काजल लगा लिए मैंने। और मैंने अपने लिए चूड़ी लाया है जो आप लोगों को दिखाऊंगी है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है मेरा चूड़ी। चूड़ी तो ऐसे बहुत है देख लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। तो आज मैं फाइनली चूड़ी पहन रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मेरे हाथ में, क्योंकि बिना ऑयल के चूड़ी नहीं डालती मैं, क्योंकि एक बार लगा था मेरे को चूड़ी से, काफ़ी भयानक वाला लगा था। तो मैं ग्रीन और कत्थे कलर का, रेड कलर का, मैरून कलर का देख लीजिए। तो पहन लेते हैं दोस्तों,
पहनूँ कैसे, तोड़ तोड़ के कितना कितना पहनूँ, इतना पहन लेती है, सुंदर दिख रहा है, ओ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं पहना है 5, तो और एक पहन लेती हूँ, बड़म बड़म। हाँ देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। 6 जोड़ी पहना है मैंने, 6, इधर भी 6 डाल लेते हैं, 1, 2। तो ये देख लीजिए हमारा वाला चूड़ी। तो मोनू के पापा बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं चूड़ी पहनी हूँ, तो वो लोग गेट तरफ घूम रहे हैं और उनको मैं बता ही नहीं हूँ कि मैं पहन रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सब्जी बना रही थी। तो उनको देखने जाएंगे, रिएक्शन देखने जाएंगे उनका। तो पहले मैं सब्जी चम्मच चला देती हूँ, उसके बाद जाएंगे मोनू के पापा के पास। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारा तरवा बन के रेडी हो चुका है, धनिया पत्ती मैंने काट चुका है, अब डालेंगे धनिया पत्ती। ला 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 ला। तो इंसान को जितना भी तकलीफ हो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराने से सेहत अच्छा रहता है। और रही बात, मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं हंस रही हूँ, देख लीजिए मुस्कुरा रही हूँ, घर वालों का याद आ रहा है, बड़ा गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि इस महीने हमारा त्यौहार भी है, नहीं जा पाए, तो इसीलिए भी तकलीफ है, बट कोई नहीं, हंसते रहना चाहिए। तो हो चुका है पूरा फ्राई सूखा, तो इसको ढक देते हैं और चलते हैं मोनू के पापा और मोनू के पास। तो गैस ऑफ कर देते हैं, ये हुआ हमारा गैस ऑफ। और ये देख लीजिए मेरा चूड़ा, थोड़ा तेल लगा है तो ऑयली ऑयली लग रहा है, तो माइंड मत कीजिएगा। तो थोड़ा हाथ वाथ पोछ लेते हैं, देखते हैं ये लोग गए कहाँ। मोनू मोनू किधर हो, देखते इधर मोनू के पापा किधर, नहीं पता किधर हो, आ थोड़ा चिल्ला रही हूँ मैं, आ नहीं रहे लोग, तो देखते हैं आते फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मोनू के पापा आ रहे हैं, देख लीजिए हम मोनू भी आ रहे हैं, उधर चिकन कटिंग हो रहा है इसीलिए उधर देख रहे हैं ये लोग। ये बगो कैंता खुदू चुरे मर मोनू चुंगड़ू पुंगड़ू, मेरे में कुछ चेंजेस लग रहा है आपको क्या? ये रहा मेरा चूड़ी, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। तो कुछ कुछ इसके लिए 2 प्रति शब्द बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देख लीजिए। हाँ काफी दिनों बाद ऐसे चूड़ी पहनी है। हाँ सही बात है, क्योंकि डिफरेंट है और मैं ऐसे नहीं पहनती हूँ। क्या बोलते हैं छोटा, इतना मोटा मोटा रहता है वो पहन लेती हूँ, लेकिन ये वाला थोड़ा गरजता है, फिर सोते टाइम मोनू को दूध पिलाते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बोल के नहीं पहनती थी। तो फाइनली मैंने आज चूड़ी पहना है, तो ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को मिलती हूँ सामने से। ये दूर से रहो, पास में नहीं जाते, मोबाइल ही नहीं दिखेगा तो क्या मतलब। अंडा कहाँ है? कौन सा अंडा? अंडा कौन सा? अंडा सब्जी, उधर ही टंगा होगा, देखो नहीं मैं कहाँ खाई, खाई नहीं होगी, आपको पहले बुलाई नहीं तब खाएंगे। सो फ्रेंड आधा चूड़ी बचा हुआ है, तो चूड़ी अगर टूट जाता है क्योंकि आज का चूड़ी है, तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा देर बोलते सॉरी क्या क्या बोली मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। तो जब टूट जाएगा तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूँगी, पहन लूँगी, तो इसको अभी के लिए रख देते हैं, इतना चूड़ी मेरा। और मेरा बाल बना लूँगी अच्छे से, थोड़ा ऐसे लग रही हूँ मैं बहुत टाइम से। रेंग रहा है फेस में, ऐसे लग रहा है, तो थोड़ा सा लिप बम लगा लेते हैं।
आपका लाइट जला रहे हैं। क्या क्या कुछ भी तो नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सुन। तो ये एकदम लाइट कलर का है तो घर के लिए ये सही है, ज़्यादा तड़प मड़प तड़प क्या क्या बोलते हैं उन्हें लगाना चाहिए। तो मैं मेरा बाल छोटी बनाई थी तो अब एक छोटी बना लेती हूँ। ठंडा चावा गरम वाला खाओ ना, ठंडा वाला केक। ऐसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, 3 घंटे ही हुए। तो मैं छोटी बना लेती हूँ दोस्तों, ये लोग खाना खा रहे हैं। फाइनली मेरा छोटी बन के रेडी हो चुका है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मनु और उसके पापा क्या कर रहे हैं। तो लगे रहो अकेले अकेले, कैसे लग रहा है? बहुत ही टेस्ट लग रहा है। लेकिन तुम कैसे दिख रहे हो? क्या करेंगे, बुढ़ा हो गए ना। बुढ़ा हो गए आदमी, देखो क्या बोल रहा है, बुढ़ा हो गए ना बोल रहे। तो मैं ऐसे ही छोटी बना ली क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे तो छोटी बनाना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को।